आज हम लोग एक ऐसे इस खतरनाक शिकारी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सबसे तेज़ दौड़ने के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम लोग आज चीता के बारे में जानने वाले हैं। ऐसे तो चीता खतरनाक शिकारी होता है, बट हर समय एक समान नहीं होता है। कभी कभी ऐसा हो भी होता है कि शिकारी खुद शिकार हो जाता है। तो ऐसे ही मोमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर वन पे जो क्लिप हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे एक जो शेर है उसने एक चीता को किस तरह से गर्दन दबाए रखा है और दूसरा शेर मिलकर यहाँ पे उसे नोचने में लगा हुआ है। बेचारा चीता कहीं टहल रहा होता है, तभी काफ़ी टाइम से उसको शेर वहाँ देखते रहता है, घात लगाए रहता है। और जैसे ही थोड़ा पास आता है उसको धर दबोचता है, उसको गर्दन दबाए उसको मौत के हवाले कर देता है। तो इस चीता का तो ऐसे चला गया। दूसरे जो चीता हमारे पास देखने हैं उसके साथ क्या होने वाला है आज, वो भी देखते हैं। चलिए यहाँ पे चीता देखिए बिल्कुल भी मस्त खाने में व्यस्त है, बिल्कुल वह हिरण का शिकार करने में लगा हुआ है। उसके पीछे बहुत सारे वल्चर आ जाते हैं और चीता बिल्कुल खाने में मस्त रहता है। और जब भी वह चीता खाते रहता है तो यहाँ पे वल्चर जो वो भी वह उसके साथ खाना चाहता है। बट थोड़ा सा डर तो है, थोड़ा चीता भी के मन में भी डर है और बल्चर भी डर रहा है। बट फिर भी बल्चर वहाँ पे कभी दूर आता है, कभी पास जाता है और बस यही इंतज़ार में है किसी तरह से यहाँ चीता को भाग जाए और उसके शिकार पे सारा हम कब्जा कर लें। और कुछ ही देर देखते ही देखते चीता तो अभी खाने में व्यस्त है, बट देखता है कि इतने सारे बल्चर को देख कर वह यहाँ से भागना ही ज़्यादा बेटर समझता है। और वह कुछ ही सेकंड बाद वह वहाँ से अपना शिकार छोड़कर भाग जाता है और सारे बल्चर उसको खाने में व्यस्त हो जाते हैं। चलिए इसका तो दिन ऐसा। अब इस चीता कब देखते हैं, यहाँ पे चीता जो है वह अपने साथी को इंतज़ार कर रहा है, साथी को आवाज़ दे रहा है। यहाँ पे तो साथी भी आता है और साथ में उस दो बबून्स को भी बुला लेता है। अब बबून्स को यहाँ पे ऐसा क्या चुलमचता है कि उसको पीछे खदेड़ने लग जाता है। आज भी यह लगता है इस चीता का भी दिन खराब है और इसको खदेड़ते खदेड़ते यहाँ से बिल्कुल दूर भगा देता है। नेक्स्ट नंबर पे जो हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे चीता अपने बच्चे के साथ जंगल में मस्ती करते रहते हैं, वहीं पे रहते हैं। और उसको काफ़ी देर से जो तेंदुआ होता है वो उसको देखते रहता है, वह इंतज़ार रहता है कब उसका टाइम आएगा। और जैसे ही टाइम आता है और एक दो तीन करके वो उस पर हमला कर देता है और उसमें से एक बच्चे को वह पकड़ लेता है। चीता माँ यहाँ देखते रह जाती है और किसी तरह से बचाने का कोशिश करती है। और इस का देखकर वह तेंदुआ को गुस्सा आता है, उसको लड़ने के लिए भागता है। तैसे ही उसका बच्चे वहाँ से निकल देते हैं और कुछ ही देर बाद इस तरह से सारे बच्चे इधर उधर भाग जाते हैं। इस तो नेक्स्ट नंबर पे जो हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ जो चीता है उसका किस तरह से दिन खराब है, उसका क्या हाल होता है वो भी देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो चीता है वह किस तरह से पड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी हालत ऐसी ख़राब हो रही है कि वह मरने का टाइम पे बिल्कुल आ चुका है। इसके गर्दन की हड्डियां सारे टूट चुकी है और इसका जो हाल तेंदुआ नहीं किया है। और कुछ देर बाद वह यहाँ पे आता है और उसे गर्दन दबाकर सीधे पेड़ पर लेकर चला जाता है, क्योंकि तेंदुआ जो होता है वह छुपकर शिकार करने के लिए जाना जाता है और वह सबसे सेफ जगह कोई है तो वह पेड़ को मानता है, क्योंकि वह पेड़ पर अगर चला गया तो वहाँ उसे हाइना का डर नहीं ख़त्म हो जाता है, प्लस जंगली कुत्ते का डर ख़त्म हो जाता है। और इस तरह से वह पेड़ पर जाकर आराम से बैठ कर अपना शिकार में करने में लग जाता है। तो आज तो इस चीता के दिन ही ख़राब है, इस चीता तो बिल्कुल इसकी हालत ख़राब हो ख़त्म ही कर दिया है उसका। नेक्स्ट पे जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो भी और भी ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि वहाँ तो एक बेचारा पानी पीने जाता है, उसकी वहाँ पे मौत होने वाला है। तो चलिए देखिए इस चीता की क्या आज लिखा हुआ है। इस चीता जब यहाँ पे जाता है तो वह पानी पीने के इंतज़ार में रहता, उसे थोड़ा शक तो है, यहाँ पे थोड़ा सा भय तो है कि यहाँ पे कुछ तो है, बट पानी तो पीना पड़ेगा, बेचारा प्यासा है, पानी पीने के इंतज़ार पीते पीते और उस यहाँ पर मगरमच्छ उसका इंतज़ार करते रहता। जैसे ही थोड़ा पानी पीता है और वह एक झटके में ही उसको अंदर लेकर चला जाता है। बेचारा चीता कुछ समझ भी नहीं पाता कि उसको पानी के अंदर लेकर चला जाता है और बेचारा बाहर उसका बैठे साथ ही उसका देखते रह जाता है। यहाँ भी चीता का दिन ही खराब ही है, इसका भी हालत यहाँ पे ख़राब होने वाला है। आपको कौन सा क्लिप बढ़िया लगा कमेंट ज़रूर करें।